तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, एंड अभी कैमरा भी चेक कर लेता हूँ एक बार। वापी, हाँ सूरत साइड, मतलब ये अपना धीरे धीरे हो रहा है, मतलब अभी नया नया शुरुआत किया है। कितना मस्त आता है यहाँ। बाय बाय बाय, वेलकम। खतरनाक भाई, खतरनाक। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। हाँ मिट्टी का ही है पक्का, ये देख इस साइड देख। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ, जो है 221 किलोमीटर दूर। भगवान करे ट्रैफिक कम मिले इतनी गर्मी में। अच्छा मैंने वेपर प्रो वाला वो ले लिया था अंदर का, मतलब क्या बोलते पैंट और वो शर्ट जैसा, तो वही पहन के अभी निकले तो गर्मी कम लगेगा। प्लस सामान थोड़ा बढ़ गया तो अभी संभाल के चलाना पड़ेगा मेरे को, एंड भगवान करे टाइम पे पहुँच जाए। तो अभी मैं आपको सबसे पहले हमारे प्लान के बारे में बता देता हूँ। हम निकले थे द्वारका से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक थे। और द्वारका से सोमनाथ कुछ 261 किलोमीटर दूर था, और हम थे NH 51 पे, जो वन ऑफ द बेस्ट हाईवे है। सच बता रहा हूँ आपको, एक बार ज़रूर ये हाईवे का एक्सपीरियंस ले लेना, क्योंकि आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये सी साइड होके जाता है। और तो और आपको ये हाईवे पूरा खाली मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे ट्रैवल करके पहुंच गए। तो अगर आप द्वारका से धोलावीरा या धोलावीरा से द्वारका जा रहे हो तो ये हाईवे पे ज़रूर चलना, जो कि है NH 51। तो आज का दिन तो हम सोमनाथ में निकालने वाले थे, एंड आज बाजू होटल लेके कहीं पे स्टे कर लेते, बट अगले दिन का हमने बुकिंग किया था रोरो फेरी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई ऐसे रास्ते से जा रहे ना हम कि पूरा ऐसा लग रहा है केरला में आ गए। इले नार इले पो भाई, पूरा केरला वाला रास्ता सही में ये। तो देख सकते हो सामने सोमनाथ मंदिर, वहां पे जाना है। उससे पहले स्टे कहाँ ले रहे भाई अपने, स्टे कहाँ ले रहे? पटेल समाज वाड़ी का कुछ है वहां पे, पहले जाके पूछेंगे, अगर सस्ते में अच्छे से लिपट गया तो ठीक है, वरना कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। हाँ अरे अरे थैंक यू। हाँ वे वीडियो में वधु। हाँ यार यहाँ पे स्टे लेना था, बट अभी थोड़ा बजट का इश्यू आ रहा है, क्योंकि कल एक ही दिन में निकलना है हम लोग को, तो फिर इसमें स्टे नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ना आपको ना टॉप व्यू देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ पे अगर रहोगे ना तो यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त आता है। यहाँ पे अगर ऐसा है तो ऊपर से क्या ही आएगा, और यहाँ से फिर देखो ना सोमनाथ मंदिर वो हो रहा सामने ही है। बट अभी कैसा सीन हो गया है कि मतलब हम लोग को तो 7 से 8 घंटे ही अंदर निकालना है, उसके बाद तो फुर हो जाएंगे ऐसे, तो इसीलिए बाकी। ए इसका नाम क्या था होटल का? गवर्नमेंट सर्किट हाउस है, यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। हम स्टंट नहीं करते, स्टंट नहीं, हम सिर्फ राइड करते। क्या हुआ? हाँ जय श्री राम। हाँ मैं भगाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही हम लोग मोटर ब्लॉगिंग करते निकलते बाहर। वापी वापी ले, कम देना दे, बहुत आवाज आएगा दे। बाय बाय बाय, वेलकम। मैं क्या शॉप किया यार, वो लोग रोके यार। चलो भाई साहब क्या दिख रहा है मंदिर, फाइनली दूसरा ज्योतिर्लिंग भी हो गया हमारा। 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग किए, अच्छा लगा। वो भी बाइक पे डबल सीट पे यार, इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग जाएगा।
आते ही रूम की पथारी फिर दिया, ये देखो हटाओ वो अपना ऑलिव्स और पिकल्स देखने मेरे को। तो अब मैं आपको सोमनाथ मंदिर के पीछे की स्टोरी बताता हूँ। सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ ही क्यों? क्योंकि सोम का मतलब होता है चंद्र, और चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष के 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था। लेकिन इन सब पत्नियों में से वो रोहिणी नाम के एक पत्नी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनको ही सबसे ज़्यादा प्यार देते थे। तो बाकी सारी पुत्रियों पे ये अन्याय देख प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा तेज रोज़ थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। और फिर ये श्राप से परेशान होकर चंद्रदेव शिव जी की आराधना शुरू कर दिए, जिसमें शिव जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी आराधना से, और उन्होंने उस श्राप से चंद्रदेव को मुक्त कराया। और जैसे ही चंद्रदेव उनके श्राप से मुक्त हुए, वैसे ही उन्होंने शिव जी की यहाँ पे स्थापना की, और तब से ही जो हमारे महादेव यहाँ पे विराजमान है उनका नाम पड़ गया सोमनाथ। और आपको बताओ तो इस मंदिर को 17 से ज़्यादा बार लूटा जा चुका है, जिस वजह से वहाँ के लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एंड अंदर कैमरा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है, तो वो सब आप होटल में ही छोड़ाना। और इस मंदिर के अंदर एक स्तंभ भी है जिसका नाम है बाण स्तंभ। उसके ऊपर जो बाण लगा हुआ है वो ऐसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही है, कोई लैंड नहीं आएगा बीच में। तो अभी हम लोग ने कर दिया है यहाँ से चेकआउट, एंड कभी भी आप स्टे करना हो तो इधर ट्राई करना, श्री राधे रेस्टोरेंट करके है, काफ़ी अच्छा स्टे था। मैं आपको रूम का इंटीरियर भी दिखा दिया हूँ, एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हो जाएगा। अगर आप एक दिन का स्टे कर रहे हो तो यहाँ पे आ ही सकते हो ज़रूर, फैमिली को भी लेके आना कभी। बाइक है तो बाइक बाजू में आपको पार्किंग के लिए भी मिल जाएगा। अगर आपको सोमनाथ मंदिर का रात को है ना फ्री प्रसाद मिलता है, तो अगर आपको खाना हो तो वहाँ पे खा सकते हो, लाइक कूपन सिस्टम चालू है। और आप ऐसा बोलना है यहाँ पे आके कि गेट नंबर 3 का है जहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो वहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। एंड शिवलिंग का क्या दर्शन हुआ, कितने बड़े थे यार, मज़ा आ गया देख के। तो अब हम निकले थे सोमनाथ से घोगा की तरफ, जहाँ से हम फेरी पे चढ़ने वाले थे, एंड डिस्टेंस की बात करें तो वो था 261 किलोमीटर्स की दूरी पे। का नाम है बाड़ी, बाड़ी में हम चला रहे हैं गाड़ी। आप भी जेएस फिल्म जैसे बन रहे हो धीरे धीरे। रोरो फेरी एंट्री का पीछे दिया ही है सब, यहाँ से जाते हैं और डबल टाइम चेक होता है, एक बाहर वॉचमैन बैठा होगा वो चेक करेगा, और एक अंदर साइड। ऐसा बैंड मिलता है और फिर यहाँ से जाओ आगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप फेरी कहाँ से बुक कर सकते हो, एंड अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि सारे टिकट्स के प्राइस क्या है। खतरनाक भाई खतरनाक, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हम लोग का। ये हाँ हाथ में ये खुल गया था इसीलिए, लास्ट में डालना है ऊपर ऊपर, ठीक है थैंक यू। चेक दिस आउट, हैवी भाई।
No outside food allowed. तो बोट में घुसते ही पहला बोर्ड दिखा हमें नो आउटसाइड फूड अलाउडेड, जिस वजह से मेरे बैग का चेकअप वापस से हुआ कि मैं अंदर कुछ लाया हूँ कि नहीं। एंड अंदर घुसते ही काफ़ी एकदम टाइटेनिक वाली फीलिंग आ रही थी, बस डूबा नहीं, जिस वजह से मैं ये व्लॉग डाल पाया। और बाकी आपने जो टिकट देखा, वो टिकट में तीनों क्लास में डिफरेंस क्या है वो आपको बता देता हूँ। पहला है एग्जीक्यूटिव क्लास, जिसमें आपको सीट मिल जाएगा बट बाहर देखने के लिए विंडोज़ नहीं होंगे। दूसरा है वीआईपी क्लास, जिसमें आपको विंडोज़ मिलेंगे, सीट वही होगा जो एग्जीक्यूटिव में। और थर्ड था कैम्बे लॉन्च क्लास, जिसमें आपको सोफ़ा मिलेगा प्राइवेट खुद का, जिसमें आप सो सकते हो पूरा एकदम लेट के। बट मेरी मानो तो आप एग्जीक्यूटिव लेना अगर बारिश ना हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऊपर ही रहने वाले हो बाहर सीनरी देखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा व्यू है बाहर, मैंने आगे वीडियो में डाला है, ज़रूर देखना। एग्जीक्यूटिव क्लास मिला आप देखो, ये देखो बाहर का, बस थोड़ा ये है कि क्लीन रखते ना ये लोग विंडो बाहर से तो अच्छा रहता है। चलते हैं बाहर देखने। तो मनोज भाई यहाँ पे महंगी महंगी चीजें मंगाते हुए पैसे होने का फायदा उठाते हुए क्या कुछ ले सकते हैं। कितने का था पाव भाजी? देखो कितने का है, कितने का है, कितने का है, कितने का है पाव भाजी? कहाँ गए पाव भाजी? 145 का पाव भाजी तो ठीक है, चाय 25 रुपए का मिला। प्लस हमने जो मंगाया था पनीर वाला चीज, पनीर वाला चाइनीज आइटम ये रहा, पनीर 69, पनीर चिल्ली ड्राई 200 रुपए का पनीर चिल्ली। इसका रिएक्शन देखिए। तो अब मैं आपको फेरी से सूरत जाने का फायदा बताता हूँ। देखो भावनगर से सूरत का डिस्टेंस है कुछ 318 किलोमीटर, तो अगर आप बाय रोड जाते हो तो आपका टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों चीज जाएगा। और अगर आप फेरी से सूरत जा रहे हो फ्रॉम घोघा, तो आपको कुछ पड़ेगा 90 किलोमीटर की दूरी पे, एंड आपका टाइम भी बचेगा कुछ 4.5 घंटे में आपको ये सूरत पहुंचा देगा। प्लस आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेव होगा एंड एनर्जी भी आपके पास रहेगी। तो है, अगर आप एक बार ट्राई करो ये फेरी तो आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी होगा, एंड ट्रस्ट मी बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था हम लोग को। ये देखो भाई बोट से जो व्यू आ रहा है ना, क्या ही बोले साहब। अगर आप कहीं भी आओ और गुजरातियों का गरबा ना होना तो वो चलता नहीं है, ये देख लो भाई क्या व्यू है यार, बहुत भारी भाई। एक शिप बहुत क्लोज आए हो भाई, देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये शिप देखो कितना क्लोज है, वो इसका फोटो भी लेना बहुत मस्त आएगा। ये ना सामने आया, ये देखो ये शिप कितना क्लोज है। एंड आपको बताऊँ ना तो ये हजीरा से घोघा जा रहा है और अपना घोघा से हजीरा जा रहा है। ये भी लाइक ऐसा 5 बजे वाला ही टाइमिंग वाला होगा, एंड ये अपना वाला बोट है जैसा अपना ना ऐसा ये भी है। फाइनली अभी हो गया रात, ये देखो ऊपर मून और ज़मीन ऐसा लग रहा है कि पूरा एक हो चुका है। थोड़ा मच्छर मच्छर दिख रहा होगा, कुछ कर नहीं सकता मैं, आईफोन थोड़ा सा सस्ता वाला है इसीलिए। तो कैसा था भाई तेरा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा था भाई? मस्त, एकदम मस्त, पक्का। रुक जाओ यार, तुम लोग आगे चले जाते, मैं पूछ रहा हूँ कैमरामैन। अभी बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ, एक बहुत भारी व्यू आ रहा है। यो, 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 यो। कैसा था एक्सपीरियंस बोट का फर्स्ट टाइम? भाई मैं पूरा हंसते हंसते निकला। ये देखो कम से कम क्या ही दिख रहा है, सिटी है यहाँ से, ये सिटी का व्यू है, सूरत सिटी हजीरा, कितना मस्त लग रहा है भाई। ठीक है, तलंग यहाँ से वो देखो वहाँ पे एक और शिप।
ये किसी और चीज का मशीन है भाई। हाँ मिट्टी का ही है पक्का। ये देख इस साइड देख। हाँ कुछ तो लिखा है उसमें AMMS फोर्ट्स। करीब करीब 9:30 के आसपास फेरी ने हमें पहुंचा दिया था सूरत और अब हम निकले थे वापी की तरफ। काफ़ी मज़ा आया राइड पे सच में। और हमने अराउंड 3000 किलोमीटर्स कवर किया इस 6 दिन के ट्रिप में। तो अब अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो के नीचे एक लाल वाला बटन रहता है उसको ही दबाना खाली, एंड बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं कुछ नए वीडियोज़ डालूँ तो उसके आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें। तो अब मिलते हैं अब अपने अगले सफ़र पे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना, हंसते खेलते रहना और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करना।